हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम देख सकते हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन लेक्चर 2। तो इसमें अब तक हमने किसके बारे में डिस्कस किया था बेटा? यहाँ पर वीबीटी थियोरी के बारे में डिस्कस कर लिए थे हम लोगों ने वीबीटी थियोरी, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना, वो सब हमने देख लिए थे, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस कंसेप्ट से रिलेटेड है, देन आफ्टर हम न्यू कंसेप्ट पर जाएंगे, ठीक है ना? न्यू कंसेप्ट पर हम लोग इसमें जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन आउट ऑफ द कंपाउंड शॉन बिलो द वेपर फेज the vapor phase, the vapor pressure, pressure of second at a particular temperature, is expected to be। तो देख लेते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कैसे एक्सपेक्टेड होंगे, ठीक है ना? इज एक्सपेक्टेड टू बी, ठीक है? पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए कैसे हमको देखना है उसको हम लोग अभी समझ लेते हैं, ठीक है? तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एक ऑप्शन है आपका सेकंड यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है? ये दो ऑप्शन है बेटा। इन दोनों कंपाउंड में आपको देखना है क्या क्या बोला है। हायर देन दैट ऑफ फर्स्ट, सी आपका सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पर डी क्या होगा बेटा, कैन बी हायर और लोअर डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ वेसल। एक्चुअली हमको क्वेश्चन क्या है उसको समझना है सबसे पहले। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब हमको दिया गया है कि कंपाउंड है वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपके आपके सेकंड का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा या कम होगा वो आपको चेक करना है, ठीक है ना? वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड का ज़्यादा है या कम है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज? अब देखो यहाँ पर ये हो गया OH, ये हो गया COH, और यहाँ पर क्या होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के लिए यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर होगा COH, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके नियर एटम के पास क्या है, लोन पेयर, कल का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है बच्चों? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में आपका क्या होगा बच्चों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब सेकंड का वेपर प्रेशर अगर फर्स्ट से ज़्यादा है या कम है वो आपको देखना है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से आपका क्या होगा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके कम हो जाएंगे।
दोनों के दोनों आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इंटरमोलिकुलर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है बच्चों, कम होता है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर की वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है बच्चों, कम होता है। ये बात आप लोगों को जाननी है। अब हम समझते बच्चों इसमें कि अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी वेसल में अगर मैंने वो वाला रख दिया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है, अब इसका और मैंने वेसल को क्लोज कर दिया, थोड़ा ऐसा सपोज करके चलना है, अगर मैंने वेसल को क्लोज कर दिया तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर देने पर ये तुरंत आपका वॉलेटाइल नेचर का होगा, तो ये क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पर ज़्यादा बनेगा और इसका क्या बनेगा, कम बनेगा, क्योंकि इसमें कौन सा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा बच्चों, समझना बच्चों, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ज़्यादा आपका वेपर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से, बॉइलिंग पॉइंट लो है ना, तो थोड़े से टेम्परेचर पर ज़्यादा वेपर बनेगा, और ज़्यादा वेपर बनेगा तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, वेपर प्रेशर क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो सेकंड कंपाउंड होगा वो सेकंड कंपाउंड का वेपर प्रेशर आपके फर्स्ट कंपाउंड से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, यहाँ पर ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये था थोड़ा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये थोड़ा था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा आपका वॉलेटाइल नेचर का होगा। अब वॉलेटाइल मतलब क्या, वॉलेटाइल मतलब क्या, जिसका वेपर जल्दी से बने, और वेपर जल्दी किसका बनेगा, इंटरमोलिकुलर का या इंट्रामोलिकुलर का, वहाँ पर आपको क्या डील करना है, इंट्रामोलिकुलर का वेपर ज़्यादा बनेगा, मतलब वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा नेचर, मतलब जिसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो आपका वॉलेटाइल ज़्यादा होगा। इस तरीके से हमको डील करना है क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को डील करने के लिए बोला। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चों, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एमओटी से रिलेटेड मैं लेता हूँ आप क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आज ही हम एक और चीज़ को समझ जाएंगे। यहाँ पर दो टर्म्स हमको दिए गए, एक दिया गया हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक हमको दिया गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के दो तरीके मैंने बताए थे, एक तो आपका किससे, एमओटी से, एक मैंने आपको बताया था किससे, एक मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में रेजोनेंस से। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें हम कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं O2 माइनस O2 प्लस, और पूरी थियोरी में अभी बताऊंगा आपको जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। O2 माइनस ठीक है, O2 और यहाँ पर O2 प्लस। सी ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा, O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस और यहाँ पर होगा O2। अब ये आपके ऑप्शन हैं, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करेंगे बच्चों, सबसे पहले इससे रिलेटेड थियोरी को हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि आपका जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर किसका निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जब भी आप किसका निकालोगे बच्चों, दो तरीके से निकलता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, एक रेजोनेंस से, एक किससे, एक आपका एमओटी से। एमओटी से किसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, जो आपका डाई एटॉमिक होगा। डाई एटॉमिक मतलब जिसमें दो ही एटम होंगे, जिसमें दो ही एटम होंगे। देखो इसके अंदर दो एटम है, इसके अंदर भी दो एटम है, दो ओ एटम है, इसके अंदर भी दो ओ एटम है, इसके अंदर भी दो ओ एटम है। जो डाई एटॉमिक होगा उसमें आपका इस तरीके से होगा। और इसके लिए ट्रिक्स जो है
वो 14 पे 3 होता है, 14। यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर आपका कितना होगा, यहाँ पर आपका कितना होगा देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं 14 से एक कम करूँगा तो ये 0.5 से डिक्रीज होगा, ये 3 आपका 0.5 से डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5। अगर ये 14 होगा तो यहाँ पर आपका अगर 12 होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा। अब अगर ये आपका 11 इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.5, और 10 हुआ तो कितना हो जाएगा 1, 15 हुआ तो कितना होगा बच्चों 2.5, 16 हुआ तो कितना होगा 2, 17 हुआ तो कितना होगा बच्चों यहाँ पर 1.5, 18 हुआ तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1। तो इस तरीके से हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इस स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। देखो ऑक्सीजन में कितना होता है, O2 में एक ऑक्सीजन में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, तो दो ऑक्सीजन में 16 और दो एक्स्ट्रा आए माइनस चार्ज की वजह से, तो आपका कितना हुआ 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं यहीं पर लिख देता हूँ O2 2- में 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों पेरोक्साइड, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगला O2- इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको मैं सुपर ऑक्साइड। तो आप बताओ इसका कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसके अंदर O2- के अंदर 16, तो O2 की वजह से एक आ रहा है मतलब 17, मतलब कितना हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1.5, ठीक है। एक आपका क्या है बच्चा O2+, यहाँ पर आपका क्या है O2+, इसमें कितने होंगे 16, तो ये हो गए, एक जा रहा है मतलब 15, तो यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन है मतलब कितना हुआ बच्चों, यह इसका 2.5। अब O2 में कितना होगा बच्चों देख लो, O2 में आपका 16 होगा, 16 की वजह से कितना हो जाएगा बच्चों 2। अब मैं आपको बताता, तो यहाँ पर हमने सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, यहाँ पर हमने सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली में क्या होता है, मल्टीप्लीसिटी ऑफ बॉन्ड, क्या होता है मल्टीप्लीसिटी ऑफ बॉन्ड। और मल्टीप्लीसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल बॉन्ड होने की टेंडेंसी। मल्टीप्लीसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होगा, सिंपली होगा मल्टीपल बॉन्ड होने की टेंडेंसी। अब मल्टीपल बॉन्ड होने की टेंडेंसी इसका मतलब सबसे बड़ा बिगेस्ट मीनिंग है कि जिसमें जितना मल्टीपल बॉन्ड होगा उतना क्या होगा मल्टीपल बॉन्ड। आप लोग जानते हो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ऑब्वियसली बात है ट्रिपल बॉन्ड आपका ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसी वजह से जितना ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, मतलब आपका क्या बढ़ेगा मल्टीप्लीसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, मल्टीप्लीसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, और मल्टीप्लीसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपका बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, और बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब बॉन्ड को तोड़ने में भी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो अगर मैं बात करूँ कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और बॉन्ड लेंथ घटेगा, ये फैक्टर आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। बहुत बढ़िया फैक्टर मैंने एक ही साथ लिया है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा मल्टीप्लीसिटी ऑफ बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर मल्टीपल बॉन्ड होने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मतलब बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा बॉन्ड आपका मजबूत होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा मतलब बॉन्ड बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो बॉन्ड क्या होगा छोटा होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ उसका छोटा होगा, तो मतलब बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली होता है। बस इस चीज़ को जान लो। अब बताओ कि अगर मैं इसी क्वेश्चन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ लूँ तो बोलो क्या होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा। देख लो किसका होगा O2+ का होगा, उसके बाद किसका होगा बच्चों O2 का होगा, उसके बाद यहाँ पर O2- का होगा, उसके बाद O2 2- का। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो बॉन्ड ऑर्डर भी आपका सिमिलर होगा,
और बोन्ड एनर्जी भी आपका सिमिलर होगा, या फिर बोन्ड स्ट्रेंथ भी आपका सिमिलर टर्म होगा, या फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बोन्ड भी आपका सिमिलर टर्म होगा। लेकिन अगर मैं बोन्ड लेंथ की बात करूँ तो बोन्ड लेंथ जस्ट आपका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा बोन्ड लेंथ आपका इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील किया। आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, बोन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस वाले का ज़्यादा होगा, ओ टू प्लस देख सकते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एमओटी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहीं पर मैं आपको काफ़ी हद तक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक्चुअली एमओटी होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली एमओटी आपका होता क्या है, यहीं पर हमारा काफ़ी कंसेप्ट को क्लेरिफाई मैं आपको करूंगा, तो आप उस बात को समझिएगा। हाँ, अब हम उसी कंसेप्ट को आसानी से समझ जाएंगे। देख लेते बेटा यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी पड़ेगा आप लोगों को, देख लेते हैं। हाँ, what will be the magnetic nature of B2 molecule without 2s and 2p mixing। ठीक है, अब आपको मैग्नेटिक नेचर, आपको पता है कि मैग्नेटिक नेचर कितने होते हैं बेटा, दो होते हैं। मैग्नेटिक नेचर आपके कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर दो मैग्नेटिक नेचर होते हैं। मैग्नेटिक नेचर आपके कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर दो मैग्नेटिक नेचर होते हैं। एक होता है बेटा आपका पैरा मैग्नेटिक, एक होता है पैरा मैग्नेटिक, एक होता है बच्चों आपका डाया मैग्नेटिक, एक होता है बच्चों आपका डाया मैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक। ठीक है ना, अब देखो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में हम कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा कोई क्वेश्चन है। अब हम समझते हैं सबसे पहले हमारा जो आपका ये जो एमओटी होता है, एमओटी में क्या होता है समझना, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, इन शॉर्ट में आप लोगों को समझना अभी से ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन समझना है इसका। अब देखो यहाँ पर विदाउट 2s 2p मिक्सिंग, अब समझते हैं एक एक करके समझते हैं। ठीक है, एक एक करके ईजिली समझते हैं। अगर बेटा वो MOT ने हमको बोला सबसे पहले कि अगर एक 1s किसी एक एटम का, ठीक है ना, कि किसी सिंगल एटम का 1s और किसी दो एटम का, किसी दूसरे एटम का 1s, दोनों जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, दो दो ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बनाएंगे ए बी एम ओ और एक आपका क्या बना लेंगे बच्चों, बी एम ओ को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे ए बी एम ओ, उसको क्या बोलेंगे बच्चों ए बी एम ओ। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ टू एस टू एस मिक्सिंग करेंगे तो क्या बनेंगे, एक आपका ए बी एम ओ बन जाएगा, एक आपका बी एम ओ बन जाएगा। और अगर मैंने उसी तरीके से बोला टू पी मिक्सिंग करेगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, टू पी टू पी मिक्सिंग करेगा दोनों एटम का, तो एक बार आपका यहाँ पर चार बन जाएंगे, दो आपके बी एम ओ बनेंगे और दो आपके ए बी एम ओ बनेंगे। ठीक है, ए बी एम ओ को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्टार से। ए बी एम ओ को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्टार से। अब ए बी एम ओ कैसे बनता है और बी एम ओ कैसे बनता है उस चीज़ को समझते हैं। देखो उस चीज़ को हम ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा, ए बी एम ओ और बी एम ओ क्या होता है इस चीज़ को समझ लो बस। अब देखो इफ यहाँ पर पहला ऑप्शन मैं कह देता हूँ, यहाँ पर समझना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स। ठीक है, अब अगर मैंने ये पी एक्स लिया, ये मैंने पी एक्स लिया और यहाँ पर मैंने ये पी एक्स लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने पी एक्स लिया, यहाँ पर मैंने ये भी आपका क्या लिया बच्चों, पी एक्स लिया। ये आपका प्लस साइन वाला है, ये आपका प्लस साइन वाला है, ये आपका माइनस साइन वाला है, ये आपका माइनस साइन वाला है। अब देखो
प्लस साइन वाला अगर आपका ओवरलैप करेगा, मतलब सिमिलर और वाइटल अगर आपका ओवरलैप कर रहा है, मतलब आप समझो बात को, इम्पोर्टेंट है, सिमिलर और वाइटल अगर आपका ओवरलैप कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? सिमिलर और वाइटल अगर आपका ओवरलैप करेगा तो आपका यहाँ पर बॉन्डिंग मोलिकुलर और वाइटल बनेगा, क्या बनेगा? BMO, क्या बनेगा? BMO। और अब ये किस टाइप का ओवरलैप है? हेड ऑन, हेड ऑन होने की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा? सिग्मा, सिग्मा BMO और वाइटल, समझ में आया? यहाँ पर कौन सा बनेगा? सिग्मा BMO। लेकिन अगर मैंने ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस, अब मैं इस तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से करा रहा हूँ, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। अब ये इस तरीके से ओवरलैप करेंगे और इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे? ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया ये आपका पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन कौन कौन से और ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? एक माइनस वाला कर रहा है, एक प्लस वाला, मतलब डिफरेंट और ऑर्बिटल, मतलब डिफरेंट ऑर्बिटल अगर आपका ओवरलैप करेगा तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? ABMO। और सेम टाइप का करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? सेम टाइप का ऑर्बिटल अगर आपका ओवरलैप करेगा तो क्या हो जाएगा? BMO। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कर रहे हैं और ऑर्बिटल आपके ओवरलैप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएगा ABMO। और इस टाइप के ABMO को हम क्या बोलेंगे? पाई स्टार। अब ये पाई क्यों आया? क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग है। पाई क्यों आया? पैरेलल ओवरलैपिंग है, ठीक है, पैरेलल ओवरलैपिंग मतलब पैरेलल इस तरीके से, और हेड ऑन मतलब सीधा टकरा रहा है, मतलब एक का एक एक है ना आपके जीप से दूसरा जीप टकराए हेड ऑन, ठीक है, समझ में आ गया? और आप अगर ऐसे ओवरलैपिंग का कराओगे दैट इज कॉल्ड व्हाट? पैरेलल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर आपका पैरेलल है, पैरेलल से पाई बनेगा और हेड ऑन से सिग्मा बनेगा, सिग्मा बनाया। देखो अब मैं एक और बात पूछता हूँ, अब देखो यहाँ पर किस टाइप का होगा ओवरलैपिंग, यहाँ पर किस टाइप का होगा ये देख लेते बच्चों। यहाँ पर अगर मैंने बोला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है और इसका शेप स्फेरिकल, मतलब हर जगह सिमिलर ही होता है, ठीक है, इसका भी शेप आपका स्फेरिकल, तो ये कौन सा ओवरलैपिंग करेगा? हेड ऑन। और हेड ऑन करने की वजह से यहाँ पर टकराएगा, ठीक है, टकराएगा तो मतलब कौन सा? यहाँ पर हेड ऑन करेगा तो सिग्मा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो कौन सा हो जाएगा? देखो डिफरेंट साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? ABMO। तो इसको क्या बोलेंगे? पाई स्टार। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ABMO क्यों हुआ, BMO क्यों हुआ, BMO क्यों हुआ, ABMO क्यों हुआ। अब आप बोल सकते हो BMO, अब देखो अब यहाँ पर देख सकते हो बच्चों आप यहाँ पर कि अगर 1s 1s टकराएगा, अब 1s 1s तो हमेशा ऐसे ही टकराएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? सिग्मा। और यहाँ पर क्या बनेगा? सिग्मा स्टार। यहाँ पर 2s 2s से आपका सिग्मा ही बनेगा, दो स्फेयर को टकराओगे तो हमेशा हेड ऑन ही होने वाला है, कभी भी पैरेलल तो नहीं होने वाला, तो यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर कौन सा बनेगा? सिग्मा स्टार। लेकिन अब जब मैं 2p 2p की बात करता हूँ तो 2p 2p में क्या होगा, समझना समझना, 2p 2p में क्या होगा? अगर मैंने इस टाइप से तीन एक्सिस बना दिए, ठीक है, तीन एक्सिस बना दिए, अगर मैं यहाँ पर एक का बोल रहा हूँ 2p एक का, एक और ऑर्बिटल का मैंने लिया है ऐसे, ठीक है, एक ऑर्बिटल मैंने लिया है ऐसे और एक ऑर्बिटल मैं ऐसे लिया है, ठीक है, ये इस तरीके से। अब मैंने एक और ऑर्बिटल यहीं पर टकरा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, काफ़ी ईजी कंसेप्ट है, ठीक है, काफ़ी ईजी कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। ये मैंने इस तरीके से, ये मैंने इस तरीके से, ये मेरा इस तरीके से, अगर मैंने इन दोनों को आपस में टकराया तो ये वाले जो बॉन्ड होगा, ये वाला एरिया, ये वाला जो आपका ऑर्बिटल होगा, ये वाला होगा, दोनों कौन से ओवरलैप करेंगे? ये वाले, इसको बोल देंगे PX, PX बोल दो, इसको PY बोल दो, इसको PZ बोल दो, ठीक है, इसको PZ बोल दो, इसको PY बोल दो। अब आप समझ सकते हो कि PX PX के बीच कौन सा ओवरलैपिंग होगा? हेड ऑन। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? सिग्मा। लेकिन बचा हुआ जो रिमेनिंग होगा PY PY, एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो यहाँ पर पाई होगा और आपका PZ PZ के बीच भी आपका कौन सा होगा बच्चों? पाई ओवरलैपिंग, बस इतना समझो, ठीक है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर BMO ABMO मतलब डिफरेंट टाइप के पाई और ऑर्बिटल अगर आपके ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर आपका पाई स्टार होगा, और अगर सिमिलर टाइप के, तो ध्यान रखना 2p 2s में मैंने चार क्यों बनाए? एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, क्योंकि दो टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है ना इसमें, इसमें आपकी कौन कौन सी हो रही है? एक सिग्मा हो रही है
और एक कौन सी हो रही है बच्चों यहाँ पर, पाई हो रही है। एक सिग्मा हो रही है और एक कौन सी हो रही है बच्चों यहाँ पर आपके, पाई हो रही है। अब देखो एक सिग्मा हो रही है, एक आपके कौन सी हो रही है, पाई हो रही है। अब देखो इसको मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, सिग्मा, सिग्मा अगर मैंने पी एक्स से टकराया तो सिग्मा पी एक्स, यहाँ क्या लिखूंगा, पाई पी जेड। आप एक ही ध्यान रख लो, इस तरीके से रट रट लो, उसमें भी आपका आ जा जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ए बी एम ओ, तो सिग्मा स्टार पी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई स्टार पी वाई पाई स्टार पी जेड, ये हो जाएगा आपका ओवरलैपिंग का। बस इस तरीके से आप ध्यान रखो पहले एम ओ टी में, इस तरीके से आपका कुछ आप लोग थियरी पढ़ोगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैंने बता दिया किस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली, अब एक्चुअली यहाँ पर मिक्सिंग और विदाउट मिक्सिंग, तो सबसे पहले विदाउट मिक्सिंग समझते हैं। तो देखो बी टू मॉलिक्यूल में क्या होता है, देखो एक बी मॉलिक्यूल यहाँ बना दिया, एक बी मॉलिक्यूल यहाँ बना दिया, ठीक है ना। बी में 1s की वजह से दो बनेंगे, 1s की वो 1s 1s से टकराएगा तो दो बनेंगे, एक बी एम ओ बनेगा, एक ए बी एम ओ बनेगा। अगर 1s 1s टकराएंगे तो दो बनेंगे, एक बी एम ओ बनेगा, एक आपका क्या बनेगा, ए बी एम ओ बनेगा। देखो अगर मैं बोलूँ अब 2s 2s, तो 2s 2s देखो 2s 2s टकराएंगे तो यहाँ पर भी दो बनेंगे, ठीक है। ये 2s 2s टकराए, अब देखो 2p 2p टकराएगा, ये 2p 2p में कितने होते हैं, तीन होते हैं, इसीलिए तीन टकराएंगे। तीन टकराएंगे तो कितने होंगे बेटा, एक ऐसा बनेगा, एक आपका ऐसा बनेगा, एक आपका ऐसा बनेगा, एक आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वॉट, विदाउट मिक्सिंग, दैट इज कॉल्ड वॉट, विदाउट मिक्सिंग। अब देखो विदाउट मिक्सिंग में मैं इन सबको हटा देता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ, मैं यही वाला लिखता हूँ, समझना, इन सबको हटा के मैं यही वाला लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि विदाउट मिक्सिंग विद मिक्सिंग एक्चुअली कंसेप्ट है क्या, ठीक है। इन सबको हटा के मैं सिंपल वाला लिख देता हूँ, ये वाला। तो देखो यहाँ पर बीच वाला लिख रहा हूँ, ये एक, ये आपका 1s है, ये भी आपका 1s है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिग्मा 1s, और यहाँ पर क्या 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 बनेगा, ऊपर वाला ए बी एम ओ बनेगा जो कि क्या होगा, 1s स्टार, कौन सा होगा, सिग्मा 1s स्टार, तो दूसरा होगा सिग्मा 1s स्टार। यहाँ पर 2s 2s की वजह से बनेगा तो यहाँ पर सिग्मा 2s, यहाँ पर सिग्मा 2s स्टार, तो यहाँ पर आपका सिग्मा 2s और यहाँ पर आपका सिग्मा 2s स्टार। अब ये आपका 2p 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 की वजह से बनेगा, ये भी आपका 2p 2p और 2p की वजह से बनेगा, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एक तो आपका सिग्मा होगा, सिग्मा पी एक्स, सिग्मा 2px, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई 2py पाई 2pz पाई 2pz, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोला जाएगा पाई स्टार 2py, और यहाँ पर पाई स्टार 2pz, और यहाँ पर सिग्मा स्टार 2px, ये हो जाएगा बेटा इस टाइप से। अब देखो इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, इसके बाद कौन सा आया, ये वाला आया, इसके बाद दो ऑर्बिटल, इसके बाद फिर आपका दो ऑर्बिटल, इसके बाद ये आया, ठीक है, ये आपका तरीका। अब यहाँ पर ऑर्बिटल का नाम मैं लिख देता हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2px, सिग्मा, सिग्मा नहीं आएगा, फिर पाई आएगा, पाई 2py पाई 2pz, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2px, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, एक बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन, तो दो में कितने होंगे, B2 में आपके 10 होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर कैसे होगा बेटा, यहाँ पर कैसे पता लगाएंगे, सारे के सारे क्या है बेटा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे क्या है बेटा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, डायमैग्नेटिक, कौन सा होता है, डायमैग्नेटिक नेचर, कौन सा होता है, डायमैग्नेटिक नेचर। लेकिन अब
अब मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ इसमें, इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज में आपको बता देता हूँ, समझना, एक्स्ट्रा चीज में बता देता हूँ। लेकिन जो डायमैग्नेटिक होता है, बोरोन का जो डायमैग्नेटिक नेचर होता है वो गलत होता है। बोरोन का डायमैग्नेटिक नेचर नहीं होता, बोरोन का कौन सा होता है बच्चों? पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। ये एक्सपेरिमेंटली है, एक्सपेरिमेंटली है। तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नेचर लाने के लिए हमने क्या किया, ये वाले ऑर्बिटल को मैं नीचे ले गया इस जगह, ठीक है, नीचे ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि इसका इसके साथ मिक्सिंग होता है, इसका इसके साथ मिक्सिंग होता है। तो यहाँ पर मैं एनर्जी लेवल बना देता हूँ, ये आपका एनर्जी लेवल था, ये आपका एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब देखो फिर बनाते हैं, ये दो तीन चार। अब देखो ये वाला नीचे चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे। तो यहाँ पर कितना हो गया, क्या हो गया बच्चों? देखो सिग्मा वन एस सिग्मा टू एस स्टार सिग्मा टू पी। यहाँ पर वो ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड, तो सॉरी पाई टू पी जेड, यहाँ पर सिग्मा टू पी एक्स, यहाँ पर पाई टू पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी जेड और सिग्मा स्टार टू पी एक्स, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो ये क्या था, ये वाला, अब देखो इसको जब नीचे ले गया तो ये शुरुआत में क्या था, विदाउट मिक्सिंग। अब ये कौन सा हो गया बच्चों? जैसे मैं इसको नीचे ले गया तो ये कौन सा हो गया, विद मिक्सिंग। यहाँ पर मिक्सिंग हो गया है, तो विदाउट मिक्सिंग वाला निकालना था, इसलिए आपका नेचर क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर विद मिक्सिंग वाला निकालना होगा तो क्या होगा, आपको बोला जाएगा विदाउट मिक्सिंग निकालना है कि विद मिक्सिंग निकालना है। अब देखो, अब बताओ जी जल्दी से, यहाँ पर 14 भरना है, मतलब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10 होता है ना। तो विद मिक्सिंग में अगर मैं निकालना चाहूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो विदाउट मिक्सिंग में अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, विद मिक्सिंग में अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका मतलब ये कौन सा नेचर का होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपका विदाउट मिक्सिंग हो, विदाउट मिक्सिंग हमेशा कब अप्लाई करते, देखो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल कितने हो जाए, 15 हो जाए, 16 17 18, वहाँ मैं विदाउट मिक्सिंग यूज़ करूँगा एमओटी के लिए, ठीक है, ध्यान रखना एमओटी के लिए विदाउट मिक्सिंग यूज़ करूँगा। लेकिन विद मिक्सिंग कब यूज़ करूँगा, जब आपका 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो, तब मैं कौन सा यूज़ करूँगा बच्चों, विद मिक्सिंग। लेकिन कभी कभी आपको इससे कम वाले में लिख के देगा कि विदाउट मिक्सिंग वाले में बताओ, तब आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड विदाउट मिक्सिंग, दैट इज़ कॉल्ड विद मिक्सिंग। आपका 14 या 14 से ज़्यादा हमेशा विद मिक्सिंग होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर 14 या 14 से ज़्यादा आपका विद मिक्सिंग होता है, और विद मिक्सिंग होने की वजह से क्या होगा बच्चों, 14 या 14 से ज़्यादा अगर आपका 14 या 14 से कम आपका विद मिक्सिंग होता है तो हम हमेशा ये यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मुझको दिया गया है कि विदाउट मिक्सिंग है और इलेक्ट्रॉन आपका 14 से कम है तो हम इसको यूज़ करेंगे, दिया गया है तो। लेकिन जनरली 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और 14 या फिर 14 से कम वाले सिस्टम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दो एमओटी जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका था। अब देखो यहाँ पर, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन अब देख लेते हैं यहाँ पर, एक और क्वेश्चन यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन देख लेते बच्चों यहाँ पर हम लोग ईजिली एक और क्वेश्चन देख लेते, ताकि आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट को क्लेरिफिकेशन आपको कंसेप्ट का मिल जाए, ठीक है, कंसेप्ट का आपको क्लेरिफिकेशन अच्छे से मिल जाए, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन एमओटी से रिलेटेड, इन फॉर्मिंग, मतलब क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, N2 से N2+, ठीक है, और यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहे हैं, सेकंड O2 से O2+, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर
द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को आपको कहाँ से रिमूव किया है ये आपसे पूछा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सबसे पहले ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो दो नाइट्रोजन में कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर दो नाइट्रोजन में आपके होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या लेंगे हम यहाँ पर, विदाउट मिक्सिंग या फिर विद मिक्सिंग, दो ऑप्शन होंगे, दो ऑप्शन होंगे। 14 में हम क्या लेंगे, विद मिक्सिंग लेंगे या फिर विदाउट मिक्सिंग लेंगे, मैंने अभी अभी आपको लिखा है, तो आप लोग लोगे विद मिक्सिंग। विद मिक्सिंग का आप लोग डायग्राम बना लो, सबसे पहले विद मिक्सिंग का बनाओ, ये एनर्जी ऑर्डर, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s, इसका क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s स्टार, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 2s, इसको बोलेंगे सिग्मा 2s स्टार, इसको बोलेंगे पाई 2px, इसको बोलेंगे पाई 2py, इसको क्या बोलेंगे पा सिग्मा सिग्मा 2pz, इसको क्या बोलेंगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा 2p सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, ये हो गया। अब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, तो दो में कितने होंगे 16 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एनर्जी बनाओ, ये 1, ये 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब बताओ ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा, इसमें इसमें विदाउट मिक्सिंग बनाना है ना, तो इसमें ऐसे बनाएंगे, विदाउट मिक्सिंग में ऐसा वाला बनाएंगे, विद मिक्सिंग में वैसा वाला बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा वन एस, इसका क्या होगा सिग्मा 1s स्टार, इसका क्या होगा सिग्मा 2s, इसका क्या होगा सिग्मा 2s स्टार, इसका होगा पाई 2px, पाई नहीं होगा इसका, इसका होगा सिग्मा 2pz, इसका होगा पाई 2px, पाई 2py, इसका होगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और इसका होगा सिग्मा स्टार 2pz, ये हो जाएगा। अभी बताओ ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन O2 से मुझे क्या बनाना है, O2 प्लस, O2 से O2 प्लस बनाने में इलेक्ट्रॉन को कहाँ से हटाया है, इलेक्ट्रॉन को मैंने कहाँ से हटाया है, O2 से O2 प्लस बनाने में इलेक्ट्रॉन को मैंने कहाँ से हटाया है, तो बनाते इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटरमोस्ट से हटाते हैं। अब देखो O2 प्लस के लिए बनाते हैं, तो O2 प्लस के लिए हम कैसे बनाएंगे, O2 प्लस में O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 16, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखो इलेक्ट्रॉन मैंने कहाँ से हटाया, पाई स्टार से हटाया, ठीक है, O2 में, फॉर O2 मॉलिक्यूल, ये O2 के लिए हो गया, ये O2 के लिए हुआ। N2 में कहाँ से हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब यहाँ से हटाएंगे N2 में, तो यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा से निकलेगा, तो अगर N2 से N2 प्लस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से रिमूव करूँगा, सिग्मा से, और यहाँ पर कहाँ से रिमूव करूँगा, पाई स्टार से। इस चीज़ के बारे में जान लो। अगर कभी कभी आपको पूछा कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो वो जो मैंने तरीका बताया वो तो करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली फार्मूला क्या है बच्चों, हाँ यहाँ पर एक्चुअली फार्मूला क्या है देख लेते हैं, हाफ इंटू एन बी एन बी माइनस एन ए। अब देखो बी मतलब ये बी एम ओ, ये भी आपका बी एम ओ है, ये भी आपका बी एम ओ है, ये भी आपका बी एम ओ है, तो बी एम ओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन आपके बी एम ओ में। अब एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो कितना आ गया 4/2, मतलब 2, ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब ये अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसको पेयर्ड होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, इसको डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो ये तो था पूरा MOT से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग अगर एक दो बार करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये तो था हमारा एमओटी। अगर आपने इन तीन चार क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया तो आपको एमओटी अच्छे से आ जाएगा। अब देख लेते हैं हम एक स्टेबिलिटी। अब मैं स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन करा देना चाहता हूँ। क्वेश्चन लिखो, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, ठीक है। स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने बनाया Li2 प्लस Li2 माइनस, ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया। अब आपको इसको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब भी मैंने डायग्राम बनाया था ऐसा, उसमें ABMO हमेशा मैं BMO के ऊपर लिखता था, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर मैंने एनर्जी बनाया था, इसका मतलब एनर्जी आपका ABMO का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एनर्जी आपका BMO से। अगर आपका ABMO का एनर्जी ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगा, और यहाँ पर आपका कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा? अट्रैक्टिव फोर्स। बात समझ में आ गया, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पर आपका अट्रैक्टिव फोर्स। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझो, अच्छे से समझो, एक जगह रिपल्सिव फोर्स, एक जगह आपका अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा। अब इस पॉइंट में खास बात क्या है समझने वाली बात, कि ABMO की एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? BMO की एज कम्पेयर टू ABMO। ये बात समझ लो। अब ये बात अगर आपने समझ लिया है, अब आपको एक और पॉइंट समझना है कि वही मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें आपके BMO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। मतलब BMO में अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो आपका क्या होगा बच्चों? वही मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देख लेते हैं। अब देखो, मैं एक्चुअली देखो, Li में केवल कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन होंगे? 1s और 2s में। 2p तो बनता ही नहीं है Li में, तो 1s और 2s के लिए मैं बना लेता हूँ कि केवल और केवल MOT। ये मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर Li2 के लिए, यहाँ पर Li2 प्लस के लिए, यहाँ पर Li2 माइनस के लिए, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, ये हो जाएगा σ1s, इसका हो जाएगा σ*1s, σ*1s इसका हो जाएगा σ2s, इसका हो जाएगा σ*2s, इसका हो जाएगा σ1s, इसका हो जाएगा σ*1s, इसका हो जाएगा σ2s, इसका हो जाएगा σ*2s, इसका हो जाएगा σ1s, इसका हो जाएगा σ*1s, इसका हो जाएगा σ2s, इसका हो जाएगा σ*2s, ठीक है। ये आपके हो गए हैं, काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपली वे में मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग निकाल सकते हो इसमें कैसे करेंगे हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो, Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन, एक लेथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6। ये वाला BMO होगा, स्टार वाला नहीं है, ये आपका ABMO होगा, ठीक है। ये आपका ABMO होगा, ये आपका BMO होगा। अब बताओ यहाँ पर BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4, 1 2 3 4। और ABMO में कितने बच्चों यहाँ पर? 2। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे, 6 में से प्लस 1 किया मतलब 1 निकाल दिया, तो 5 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर BMO में कितने होंगे बच्चों? यहाँ पर 3। और ABMO में कितने होंगे बच्चों? यहाँ पर 2। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, Li2 माइनस में क्या होगा? 6 तो होंगे, उसमें से एक आपका ABMO में भी होगा, तो इसमें क्या होगा बच्चों? देखो, 6 होंगे। अब देखो यहाँ पर BMO में कितने हैं बच्चों? 4। और ABMO में कितने हैं? 3। अब सबसे पहले BMO में जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब Li2 और Li2, इसमें भी BMO में 4 है, इसमें भी BMO में 4 है, तो इन दोनों को तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। इसमें BMO में कम है तो ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा, ठीक है, Li2 प्लस। अब इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों में BMO में सेम है, तो अब हम किस में चेक करेंगे? ABMO में। अगर ABMO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो वो उतना अनस्टेबल होगा। अब बताओ ABMO में कहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? इसमें है, तो ये आपका अनस्टेबल होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? Li2 माइनस, और क्या आ जाएगा? Li2 प्लस। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन,
ठीक है। अब देखो कभी कभी आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका सिंपल है, तो हम दे देख लेते हैं यहाँ पर सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s, इसका लिखेंगे सिग्मा स्टार 2, सिग्मा 2s2, इसका लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s0। इसके बाद कौन सा वाला आएगा, इस तरीके से, जी जितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं उतने हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से लिखेंगे। आप एक बार लिखने की कोशिश करिए, डाउट आए तो मुझसे पूछना। इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेंट रूल वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम डाइपोल मोमेंट के कुछ कंसेप्ट को सीख जाएंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक रिवीजन हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।